महोदय जी, दुख दर्द तकलीफ तो हमारी जिंदगी में भी है, मगर क्या करें, गरीब माँ बाप के बेटे हैं ना। अगर थक कर बैठ गए तो जिम्मेदारी बुरा मान जाएगी। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी में, अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ चुका था? अभी तक स्टूडेंट हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पर स्टूडेंट हमने बात किया था कि हमारी जो कहानी जो चल रही थी, डियर स्टूडेंट, हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके थे ग्रिफिक एक्सपेरिमेंट, यानी कि हम पढ़ रहे थे, डियर स्टूडेंट ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल चल रहा था, तो वहीं से हम डियर स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में, आपको आई होप आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो लेक्चर काफ़ी लंबा भी हो गया था डियर स्टूडेंट, तो लेक्चर लंबा होने की वजह से कुछ स्टूडेंट जो है हमारे कुछ स्टूडेंट पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। तो अगर आप वहाँ पर देखेंगे अंत तक, तो हमने एक कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी से कोरिलेट किया था, उसी कहानी को यहाँ पे आप समझते हैं। यानी कि ध्यान देना स्टूडेंट, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में, ध्यान देना, डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, देयर आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर स्टूडेंट, जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अथवा इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स भी बोला करते हैं, हाँ या ना। इसको दिया किसने था? इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे डियर स्टूडेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, ध्यान देंगे। क्या कौन थे भाई? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब थे, इन्होंने क्या दिया था डियर स्टूडेंट, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी कि दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी कि आप समझ पा रहे होंगे, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट यानी कि रूपांतरण का सिद्धांत कहते हैं, देने वाले जो साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब। कब दिए थे, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ये दिए कब थे? 1928 में क्या दिए थे? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिए थे, हाँ या ना, ध्यान देना। ये क्या थे? इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर किया था, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था माइस के ऊपर किया था, किसके ऊपर किया था डियर स्टूडेंट, माइस के ऊपर, यानी कि इन्होंने चूहों के ऊपर अपना प्रयोग किया, और चूहों में एक बीमारी होती थी डियर स्टूडेंट, जो माइस थे, जो चूहे थे, उसमें एक रोग यानी कि एक बीमारी होती थी, वो बीमारी जो होती थी इसको बोलते हैं निमोनिया, वो निमोनिया जो बीमारी होती थी किसमें होती थी? चूहों में होती थी। तो इन्होंने, कहने का मतलब कि चूहों में जो निमोनिया बीमारी किसके कारण होती है आपको पता है, बैक्टीरिया डिप्लोकोकस, ध्यान देना डिप्लोकोकस, क्या बोलते हैं इसको हम, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ध्यान देना स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, यानी कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसी को बोलते हैं डियर स्टूडेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ध्यान देंगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी कहा करते हैं, ध्यान देना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी कहते हैं, ध्यान देंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, निमोनी भी कहा जाते हैं। और एक नाम इसे इसको जानते हैं, इसको हम किस नाम से और जानते हैं, इसको हम निम्यूनोकोकस निमोनी भी कहते हैं, ध्यान देंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट, ध्यान देना, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, निम्यूनोकोकस निमोनी के नाम से भी जाना करते हैं, ध्यान देना, न्यूमोनोकोकस न्यूमोनी, ध्यान देंगे, किससे, निम्यूनोकोकस, इसको क्या बोला करते हैं, न्यूमोनी बोला करते हैं, ध्यान देंगे, निम्यूनोकोकस निमोनी भी इसको हम कहा करते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। कहने का मतलब कि जो बैक्टीरिया में जो बीमारी हो रही थी, निमोनिया की बीमारी हो रही थी, यानी कि जो बीमारी होगी कौन सी बीमारी होगी डियर स्टूडेंट, निमोनिया होगा, कौन सा बीमारी होगा, निमोनिया, इसी निमोनिया के कारण चूहे क्या हो जाते थे, मर जाते थे। इसके लिए उन्होंने दो वेराइटी के बैक्टीरिया इस्तेमाल किए, अभी
एक एक करके डिस्कस भी करते हैं कौन से बैक्टीरिया का हमने इस्तेमाल किया था। ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज यहाँ पे क्लियर कट इसको समझ लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, एक चीज आपको कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर अभी हमने जो बताया आपको, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब थे इन्होंने, क्या किया था, इन्होंने जो किया था डियर स्टूडेंट, इन्होंने माइस के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, चूहों के ऊपर अपना प्रयोग किया, और जो चूहों के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो चूहों में एक बीमारी होती थी जिसको बोलते हैं निमोनिया बीमारी। इस बीमारी के कारण चूहे मर जाते थे, ध्यान देना कैसे मरते थे अभी हम बात करेंगे। और डिप्लोकोकस निमोनी, इसमें जो आपको पता है ऐसे जीवाणु, ऐसे बैक्टीरिया जो निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं उसको आपको पता है उसको डिप्लोकोकस निमोनी कहा करते हैं। ध्यान देना क्या करते हैं, डिप्लोकोकस निमोनी। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक्स में इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी लिखा गया है, तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के इस भी नाम से जानते हैं, ध्यान देंगे। और इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम निमोनोकोकस निमोनी के भी नाम से जानते हैं, ध्यान देगा। इसका सभी नाम मतलब बैक्टीरिया का नाम डियर स्टूडेंट एक ही है, एक ही बैक्टीरिया इसको कई नामों से जान रहे हैं, डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक्स का जो डाटा है, प्योर एनसीईआरटी बुक्स का डाटा देखेंगे तो वहां पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दिया गया है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो वहां पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन दे दिया तो आपको मोर करेक्ट आंसर चुनना होगा कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। आपको सभी नामों के बारे में जानना है, अगर सपोज करो डियर स्टूडेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नहीं दिया है तब क्या करोगे, तब दिक्कत हो जाएगी ना, तब वहां पर आपको डिप्लोकोकस निमोनी भी मारना पड़ेगा ना, निमोनोकोकस निमोनी भी मारना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, नहीं पढ़ सकता है। तो आपको सभी नामों के बारे में जानकारी रखना है डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब कि डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और उसके बाद क्या है, निमोनोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी आपको पता होगा इस तरीके से, अब हम जब दो स्फेरिकल बना देते हैं उसको बोलते हैं डिप्लोकोकस ना भाई, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, दो यानी कि दो वृत्त आपस में दो स्फेरिकल इस तरीके से बना देते हैं, स्फेरिकल शेप्स, दीज आर द डिप्लोकोकस, समझ रहे हो, दो कोकाई, समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से। तो कहने का मतलब कि ये जो बैक्टीरिया थे कौन सी बीमारी उत्पन्न करते थे चूहों में, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, कौन सी बीमारी उत्पन्न करते थे, निमोनिया बीमारी उत्पन्न करते थे। अब इन्होंने किया क्या, यानी कि जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब थे इन्होंने किया क्या, इन्होंने बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन तैयार किए डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे, इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन तैयार किए, कैसे तैयार किए थे, क्या किए थे, हम अभी देखने वाले हैं, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। इन्होंने बैक्टीरिया के क्या किए, दो स्ट्रेन तैयार किए, यहाँ पर हम बनाते हैं दोनों स्ट्रेन, यानी उन्होंने बैक्टीरिया कितने स्ट्रेन तैयार किए थे, दो स्ट्रेन तैयार किए थे। एक स्ट्रेन डियर स्टूडेंट जो था, ध्यान देंगे, एक जो स्ट्रेन था आर सेकेंड स्ट्रेन और दूसरा जो था आर थर्ड स्ट्रेन, ध्यान देना। इन्होंने क्या किया, स्ट्रेन, strain स्ट्रेन का मतलब कि यहाँ पर रिलेटेड टू द वेराइटी, ध्यान देना ये रिलेटेड किससे है, वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया से, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया का मतलब कि बैक्टीरिया की दो वेराइटी ले रहे हैं, एक तो आर सेकेंड स्ट्रेन लेते हैं और एक क्या लेते हैं, थर्ड स्ट्रेन, ध्यान देना, दूसरा यूज क्या करते हैं, थर्ड स्ट्रेन, आर सेकेंड स्ट्रेन एंड थर्ड स्ट्रेन क्या कर रहे थे डियर स्टूडेंट, यूज कर रहे थे, ध्यान देना, दो बैक्टीरिया के स्ट्रेन यूज कर रहे हैं, यस थर्ड, उसके बाद आर सेकंड है, यस थर्ड स्ट्रेन यूज कर रहे हैं, हाँ या ना, यूज कर रहे हैं कि नहीं, हाँ, देखो तो डियर स्टूडेंट कर क्या रहे थे, दो स्ट्रेन यूज कर रहे थे, आर सेकंड एंड यस थर्ड। अब वहां पे ये क्या कर रहे थे, आर सेकंड स्ट्रेन एक ऐसे स्ट्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, रफ, ध्यान देना, आर फॉर क्या बोलते हैं इसको, हम रफ बोलते हैं, रफ मतलब खुरदुरा, ध्यान देना, इसके ऊपर कोट नहीं पाया जा रहा है। सपोज अगर इसको बनाने का प्रयास करें, ये बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से सिंपल सा, ये ऐसे रफ होगा, खुरदुरा होगा, हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये रफ होगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट, रफ होगा, हाँ या ना, इस तरीके से सिंपल, रफ मतलब खुरदुरा होगा। इसके अलावा ये कैसा होगा डियर स्टूडेंट, नॉन विरुलेंट होगा, ध्यान देना, इसको बोलते हैं नॉन विरुलेंट, नॉन विरुलेंट मतलब इसको हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट क्या, नॉन पैथोजेनिक,
दिखाई दे रहा है कि नहीं, आई होप डियर स्टूडेंट आ रहा है कि नहीं, जरा देखते हैं आ रहा है कि नहीं पूरा नीचे तक। हाँ तो आ रहा है, तो नॉन पैथोजेनिक बोल रहे हैं, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट इसको, नॉन पैथोजेनिक यानी कि नॉन वायरुलेंट। नॉन पैथोजेनिक मतलब डियर स्टूडेंट जो रोग कारक ना हो, ध्यान देना रोग कारक नहीं होता, मतलब कुल मिला के हम यहाँ पे लिख सकते हैं रोग नहीं उत्पन्न करेगा, रोग नहीं उत्पन्न करता है, ध्यान देना रोग नहीं उत्पन्न करता है। कौन रोग उत्पन्न नहीं करता है डियर स्टूडेंट, जानेंगे आर सेकंड वाला रोग नहीं उत्पन्न करता था, लेकिन वही अगर हम केस लें किसका, यस थर्ड का, तो यस थर्ड कैसा होगा इसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्मूथ, ध्यान देना ये चिकना होगा, स्मूथ होगा, क्योंकि इसकी जो रफ नहीं होगा, एक खुरदुरा नहीं होगा, इसकी जो होल होगी ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, स्मूथ होता है बैक्टीरिया, ध्यान देना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मूथ होगा तो क्या होगा भाई, चूहे का जो इम्यून सिस्टम होगा इसको मार ही नहीं पाएगा, बैक्टीरिया क्या है कवर्ड है पूरा, खोल उसके ऊपर है कैप्सूल की बनी, जिसकी वजह से चिकना है। अब ये चिकने होने की वजह से जब बैक्टीरिया ये चूहे के अंदर जब इसको इंजेक्ट करेंगे फटके के साथ, तो होगा क्या भाई, चूहा क्या होगा, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि चूहे की जो इम्यून सिस्टम होगी इसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, मतलब चूहा का इम्यून सिस्टम इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसका ये प्रभावी हो जाएगा ऑटोमेटिक, समझ पा रहे हो, चूहा के ऊपर, जिससे चूहा मर जाएगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि इसके खोल को तोड़ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से इसको स्मूथ बोल रहे हैं। जब भाई कहने का मतलब ये बीमारी उत्पन्न कर दे रहा है, आया ना, क्योंकि ये स्मूथ है अभी हमने बताया, अभी बीमारी जब उत्पन्न कर दे रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं विरुलेंट, या ना इसको बोल सकते हैं ना विरुलेंट बोल सकते हैं, विरुलेंट यानी कि जो रोग कारक यानी कि रोग उत्पन्न करता हो, इसको हम और क्या नाम से, और इसको हम क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट, पैथोजेनिक कह सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, पहले बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं, यानी इसको विरुलेंट भी बोल रहे हैं, उसके बाद पैथोजेनिक भी बोल रहे हैं, और स्मूथ तो बोल ही रहे हैं। वही उल्टा केस किसमें लेते हैं, आर सेकेंड वाले, आर मतलब रफ है खुरदुरा है, और जो रफ है यानी कि उसके ऊपर खोल नहीं है, यानी कि वो इस तरीके से बैक्टीरिया है, ध्यान देना वो रफ है इस तरीके से, उसके ऊपर खोल नहीं है, जब इसके ऊपर खोल नहीं होगी तो चूहे के अंदर इसको जब इंजेक्ट किया जाएगा, जब इंजेक्ट किया जाएगा चूहे की जो प्रतिरक्षा तंत्र होगी, चूहे की जो इम्यून सिस्टम होगी, इस जीवाणु को यानी इस बैक्टीरिया को क्या कर लेगी, मार देगी, फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा इसको मार देगी, हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन 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 केस चेंज करते हैं, केस कब चेंज करते हैं, दूसरे स्टेज में यानी दूसरे अवस्था में, यस थर्ड वाले में, यस थर्ड क्या है, स्मूथ है, स्मूथ यानी कि चिकना है, चिकना यानी कि भाई सिंपल सी बात है, उस पर पॉलीसेकेराइड की कोट पाई जा रही, देखो ये यस थर्ड हो गया। अब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दिखाई दे रहा, अरे भाई नहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, यस थर्ड वाला या कहाँ पे, ये देखो पूरा इसके ऊपर क्या है, पॉलीसेकेराइड की कोट, समझ लो कोट, इसके अंदर ये क्या है, यस थर्ड वाला है ना, पूरा कपड़ा पहना है, पॉलीसेकेराइड की कोट है। अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही चूहे के बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या कर जाएगा, चूहा इसका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, समझ पा रहे हो, चूहे की बॉडी इसका कुछ नहीं बिगड़ पाती, एंटीबॉडी इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है, सिंपल सी प्रक्रिया होती है, जिसके कारण चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, प्रभावी हो जाएगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, इसको हम और अच्छे से अभी समझने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक चीज़ आप जान लेंगे, फिर से जान लेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहने का मतलब कि जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब थे, उन्होंने दो बैक्टीरिया के स्ट्रैंड तैयार किए थे, एक आर सेकेंड स्ट्रैंड, एक यस थर्ड स्ट्रैंड। आर सेकेंड स्ट्रैंड जिसको हम बोल रहे हैं रफ, रफ यानी कि जिसको बोल रहे हैं नॉन वायरुलेंट, यहाँ पे हमने लिखा है रफ यानी कि खुरदुरा, जिसको हम नॉन वायरुलेंट बोल रहे हैं, जिसको हम नॉन पैथोजेनिक बोल रहे हैं, यानी आर सेकेंड वाले जो थे ये डियर स्टूडेंट रोग नहीं उत्पन्न करते हैं, बीमारी नहीं उत्पन्न करते हैं, कहाँ पर, चूहों में। बीमारी क्यों नहीं उत्पन्न करते हैं भाई, आखिर ऐसी क्या बात है, बीमारी क्यों नहीं उत्पन्न करते भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये कैसे हैं, इनकी जो स्मूथ है, स्मूथ का मतलब कि इस पर पॉलीसेकेराइड की बनी हुई कोट नहीं पाई जाती, हाँ या ना, इस पर पॉलीसेकेराइड की बनी हुई कोट नहीं देखी जाती, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं नॉन वायरुलेंट यानी कि नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक मतलब रोग नहीं उत्पन्न करता है, ध्यान देना बीमारी नहीं उत्पन्न करता, कहाँ पे, चूहों में। मतलब कि जब इसको इंजेक्शन के फॉर्म में अगर हम चूहे के अंदर इंजेक्ट करेंगे, जब आर वाले को इंजेक्शन के फॉर्म में चूहे के अंदर लगाएंगे
भाई आर वाले को सुई में भर के जैसे ही चूहे के अंदर लगाएंगे, चूहा क्या होगा, नहीं मरेगा। चूहा क्या होगा, नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा भाई, क्योंकि ये कैसा है, नॉन पैथोजेनिक है, यानी कि जो रोग नहीं उत्पन्न करता है, नॉन विरुलेंट है। क्यों है, क्योंकि भाई इसके ऊपर कोट नहीं पाई जा, इसकी खोल नहीं पाई जा रही है। खोल का मतलब ये रफ है, खुरदुरा है, इस पर पॉलीसेकेराइड की बनी खोल अब्सेंट है। लेकिन अगर हम पीएस वही सेकंड लें, यानी कि दूसरा स्ट्रेन जो बैक्टीरिया ले रहे थे डियर स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यस थर्ड बोल रहे हैं। और जो यस थर्ड वाला है, ध्यान देना, जो यस थर्ड वाला है जिसको हम स्मूथ बोला करते हैं, और स्मूथ यानी कि चिकना है, उस पर पॉलीसेकेराइड की बनी हुई कोट पाई जा रही है, जिसकी वजह से इसको विरुलेंट बोला करते हैं, यानी कि ये पैथोजेनिक होगा। जैसे ही यस थर्ड को चूहे के अंदर इंजेक्शन के फॉर्म में इंजेक्ट करेंगे, चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। चूहा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि भाई इसकी जो खोल है किसकी बनी है, पॉलीसेकेराइड की बनी है। चूहे की जो इम्यून सिस्टम होती है, जो उसका प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कहने का मतलब बैक्टीरिया क्या हो जाता है, उस पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से चूहा मर जाता है। हाँ या ना, आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। जरा हम चूहे के अंदर सुई लगा करके देखते हैं, आखिर जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब थे, ये अपना एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे थे चूहे के ऊपर। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। अब हम चूहा बनाते हैं, चूहा बना करके आपको समझाते हैं। ध्यान देना, ये सपोज करो डियर स्टूडेंट क्या है आपके, ये सपोज करो क्या है, चूहा है। ध्यान देना, उतना अच्छा तो चूहा हम नहीं बना पाते डियर स्टूडेंट। सपोज कर लो या फिर क्या है, इस तरीके से ये चूहे है। ध्यान देना, ये क्या है, सपोज करो ये चूहा है। अब देखो, एक ही चूहा बनाते हैं, ये चूहा है, एक चूहा और बना लेते हैं। ध्यान देना, एक ही चूहा बनाते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। अब देखो, इस चूहे में क्या करते हैं, इस चूहे में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सिंपल सी प्रक्रिया करेंगे। इस चूहे के अंदर क्या करते हैं, हाँ या ना, क्या करते हैं बताओ, वही भाई इंजेक्ट ना करेंगे। देखो, एक चूहा और बना लेते हैं, जिससे आपको समझने में क्या हो डियर स्टूडेंट, आसानी हो। आप भी इस तरीके से चूहा वहां पर बना लेना, हाँ या ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाले हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। अरे भाई समझ लो, चूहा ही है, क्यों हंस रहे हो, समझ लो भाई, आप कैसे बनाए आपको। देखो, ये सपोज करो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से चूहा है, हाँ ये देखो, सपोज करो, पता नहीं आपको चूहे के जैसा लग रहा है कि नहीं, नहीं लग रहा है तो मान लो, नहीं लग रहा है तो क्या कर लो, मान लो भाई चूहा है, मान लो चूहा है। देखो अब क्या होगा, इस तरीके से अंतिम वाला चूहा थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है। देखो ये देखो, सिंपल ये चूहा, ये देखो ये कितने क्या है आपके, ये सभी क्या है, चूहे हैं। अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब, आपको जान के हैरानी होगी, हमने बताया भी था फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ही वाज ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। ये क्या कर रहे थे अपने समय में, भाई साइंटिस्ट तो मान ही नहीं रहे थे। आपने बताया कि अनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, आपने तो कह दिया, आज आप जानते हैं, आज आप पढ़ते भी हैं अनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। लेकिन भाई उसके ऊपर देखो कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी, कितने ज़्यादा खोजें हुई हैं, तब जाके पता चला। मेंडल के जाने के बाद 100 साल लग गए इसको जानने में कि अनुवंशिक पदार्थ है क्या। ध्यान देना, तो जो साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट लोग ही आर द ग्रेट साइंटिस्ट, दैट इज द फ्रेडरिक ग्रिफिथ। बहुत सारे साइंटिस्ट अपने आप में महान हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते गए हैं। तो वहीं पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब भी थे, तो इन्होंने अपने घर में बहुत सारे उस समय चूहे जिलाए थे। ध्यान देना, बहुत सारे चूहे जिलाए थे, और वो चूहे क्या करते थे, जैसे ही फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब जब इन्होंने दो स्ट्रैंड तैयार कर लिया था बैक्टीरिया का, एक आपको पता है आर सेकंड वाला, और उसके बाद ये थर्ड वाला स्ट्रैंड, जैसे स्ट्रैंड तैयार किया यानी सुई तैयार कर लिया, अब सुई लगाना है चूहे में। अब चूहे भाई कहाँ थे, चूहे सब लाइन में खड़े थे, चूहे सोच रहे हैं टॉनिक मिल रहा है, टॉनिक यानी कि भाई फ्री चीज। अब आपको भी अगर कोई चीज फ्री में मिलता है, अगर फ्री में देख लो भाई, अपने यहाँ फ्री में कोई चीज मिलता है लाइन लग जाती है ना, बहुत बड़ी लाइन लगती है, मार भी हो जाता है उसी में, कहते हैं नहीं हाँ पहले हम लेंगे, होता है ना भाई। अरे भाई फ्री में अगर आधार कार्ड
करेक्शन, आधार कार्ड ही ले लो फ्री में बनाने लगे तो क्या होगा, बहुत बड़ी लाइन लग जाएगी। आया ना, उसी तरीके से चूहे एकदम लाइन में खड़े थे, एकदम कतार में खड़े थे, और प्रोटेक्टिव साहब एकदम सुई लेके तैयार थे, एकदम ध्यान देना आर वाला लगा दिए। जैसे ही आर वाला लगाया क्या हुआ, चूहा एकदम छटपटा उठा, एकदम भागने लगा तेजी से, और चूहे जो लाइन में थे एकदम एकदम खुशी हो गए। अब हम भी भाई चूहा सुई लगवाएंगे भी एकदम एक्टिव हो जाएंगे, हम भी सक्रिय हो जाएंगे, हम और तेज भागने लगेंगे। तो चूहा एकदम और आगे आया एक चूहा। फिर इस बार तो कहानी चेंज थी, क्योंकि भाई 8 सेकंड पहले बार तो लगा दिए, 8 सेकंड वाला बीमारी उत्पन्न करता नहीं था, 8 सेकंड वाला बीमारी उत्पन्न करता नहीं था। जब बीमारी उत्पन्न नहीं करता था तो उसको कुछ नहीं हुआ, भागने लगा इधर उधर। जैसे ही दूसरा इंजेक्शन लगा, अब दूसरा इंजेक्शन क्या लगा भाई, यस वाला इंजेक्शन लगा, यस थर्ड जैसे ही लगा, चूहा क्या हो जाएगा, चूहा क्या होगा, मर जाएगा। क्योंकि ये कैसा होता है, पैथोजेनिक होता है, विरुलेंट होता है, हाँ या ना, स्मूथ होता है, उन्हें बताया था ना, चूहा मर जाएगा। अब जो चूहा मर जाएगा क्या होगा, अब बाकी के चूहे जो खड़े हैं लाइन में वो भागेंगे, कहेंगे हम नाम 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 नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। भाई दिक्कत समझ पा रहे हैं, लाइन टूट गई। लेकिन फ्रेडरिक साहब थोड़ी ना मानेंगे, ये भी भाई कई महीनों से चूहे को जिलाए हैं, खिलाए हैं, खिला पिला रहे हैं कई महीनों से, समझ सपोज दैट, सोचो चूहे को इतना कौन मानता है। लेकिन फ्रेडरिक साहब दैट ग्रेट्स एक्सपेरिमेंट कर, समझ पा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का इतना जबरदस्त भूत मतलब नशा बोल सकते हैं, इतना जबरदस्त नशा चढ़ा था कि चूहे को ही खिला पिला रहे थे। अब नेक्स्ट आने दो, नेक्स्ट चूहे को पकड़ के लिया। अब उसमें क्या किए, जो यस वाला था उसको गर्म कर दिया, ध्यान देना क्या किए, यस वाले को गर्म कर दिया। सोचे कि यस वाला आखिर लगाने से मर गया तो इसको हम गर्म क्यों ना करते, अब गर्म करेंगे क्या होगा, गर्म करेंगे क्या होगा भाई, यस वाले की खोल टूट जाएगी ना, को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, इधर मत देखो, इधर देखो, समझो, समझने पर ज़्यादा फोकस किए करो ना, अब खोल तो उसकी टूट जाएगी। सोचिए जब गर्म किए तो उसकी खोल टूटी, पॉलीसेक्राइड की बनी हुई खोल जैसे ही टूट गई, अब क्या हो गया हो भाई, खोल जब टूट गई तो यस थर्ड तो यस थर्ड नहीं रहा, वो आर आर की जैसा व्यवहार करने लगेगा। अब जैसे ही चूहे के अंदर इंजेक्ट करेंगे, चूहा क्या हो जाएगा, चूहा क्या होगा, फिर से एकदम नाचने लगेगा, फिर से जिंदा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, आया ना। अब लास्ट कंडीशन में क्या किया, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, यही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यही टर्निंग पॉइंट है लास्ट वाला। अब इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें सिंपल सी प्रोसेस की, इसमें इन्होंने क्या किया कि अब यस थर्ड को गर्म तो किया, गर्म कर दिया खूब यस थर्ड को, उसकी खोल तो टूट गई, इसमें इन्होंने क्या मिलाया, बाहर से आर को मिला दिया। अब जैसे ही आर को मिलाया, हीटेड, ध्यान देना, हीटेड यस थर्ड में आर को मिला रहे हैं, यानी गर्म यस थर्ड में आर को मिला रहे हैं। अब आर को मिलाने के बाद फिर से चूहे के अंदर लगाया तो चूहा क्या हो गया, मर गया भाई, मर गया, मरना नहीं चाहिए था चूहा। अब आप समझ, आप सोच रहे होंगे ये क्या चूहा मर गया, क्या नहीं मर गया, क्या लगा दिए, क्या नहीं लगा दिए, इधर देखो, इधर देखो, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, हो सकता है कुछ भाग मतलब सोचे कि क्या ही मतलब है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इधर देखो भाई, भागो मत, वीडियो छोड़ कर मत भागो, गारंटी है पूरा समझ में आएगा, क्यों भाग रहे हो, थोड़ा सा बर्दाश्त किया करो भाई। देखो आपके लिए अगर हम भाई इतना कर सकते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, थोड़ी देर तक रह करके वीडियो देख लिया करो। देखो देखो भाई क्या करते हैं, अब देखो क्या करते हैं, ये देखो ये इंजेक्शन इधर इतना खतरनाक इंजेक्शन, हाँ भाई खतरनाक इंजेक्शन, देखे नहीं वो इंजेक्शन, थोड़ी आप तो लगवाए होंगे, हो सकता है आप लगाते भी होंगे सूरी। देखो ये आप भी पेडिग्री साहब बन जाइए, फिर देखो ये इंजेक्शन हम बनाते हैं, इधर भी इंजेक्शन इस तरीके से बनाते हैं, इसको हम मार्कर चेंज करते हैं, क्योंकि तो ब्लैक वाले मार्कर से ठीक बनता है डायग्राम। ये देखो इंजेक्शन, ये देखो ये स्टूडेंट ये क्या है आपके, इसको भी इंजेक्शन लग गया, इसको भी इंजेक्शन लगा, क्या है सब इंजेक्ट कर रहे हैं ना फेडरिक साहब, ऐसे थोड़ी जाने देंगे, खिलाए पिलाए एक महीने तक, आया ना,
आपको भी साथ के साथ बना लेना है, इससे आप भूलेंगे नहीं, चीजों को कोरिलेट करके समझे रहेंगे। कितना बड़ा इंजेक्शन बन रहा है, देखो भाई छोटा करते लग रहा है कि नहीं, कुछ इंजेक्शन के जैसा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है इसको लगा लो, मान लो इंजेक्शन है, थोड़ी उसे इंजेक्शन बना देंगे, कुछ कर लिया करो भाई। देखो ये देखो, ये देखो डियर स्टूडेंट, ये देखो जादू दिखाई दे रहा है कि नहीं, पता लगा हम इधर बना रहे हैं, आप वीडियो छोड़ के भाग जाए। भाई मत भागना, आप क्लियर कर रहे हैं तो ऐसे वैसे भाग जाओ। देखो आया ना, देख पा रहे हो कि नहीं, देख पा रहे हो कि नहीं डियर स्टूडेंट, देख पा रहे हो कि नहीं। अभी फोन में क्या बोल रहा, देखते हैं थोड़ा सा, देखते हैं। हाँ वीडियो चल रहा है अभी भाई, कभी कभी वीडियो बंद हो जाता है ना, दिक्कत हो जाती है, तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है लेक्चर। देखो ये ध्यान दे, अब ये कर क्या रहे थे, चार कंडीशन है, चार पॉसिबिलिटीज है, ध्यान देंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब पहले में इसने क्या किया, पहले में इन्होंने क्या किया, आर थर्ड को इंट्रोड्यूस कराया, ध्यान दे, आर थर्ड, जैसे ही इन्होंने आर थर्ड नहीं भैया या सेकंड, आर सेकंड है ना, आर सेकंड को लगाया, इसमें क्या भर के लगा रहे हैं, आर सेकंड। अब आर सेकंड को जैसे ही लगाया तो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, चूहा विल बी लाइव, लाइव मतलब चूहा क्या होगा, जिंदा रहेगा, चूहा क्या होगा, जिंदा रहेगा, LIVE, चूहा विल बी लाइव, चूहा नहीं मरता है, एकदम खुशी है चूहा, एकदम हंस रहा है, क्योंकि इसके अंदर जैसे ये गया, ये देखो ये गया है खुरदरा वाला, अब क्या करेगा, इसकी इम्यून सिस्टम खुद ही इसको मार देगी, किसको, बैक्टीरिया को, क्यों मारते हैं, क्योंकि भाई इसके प्रतिरक्षा तंत्र इतना खुद इसके लिए मजबूत है, इसको मार देगा आसानी से, तो चूहा क्या होगा, नहीं मरेगा, जिंदा रहेगा। लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज करें, अब जैसे ही क्या लगाएं, यस थर्ड वाले क्या लगाएं, इसमें क्या मिला दिए चूहे में, दवा कौन सी भरें, यस थर्ड वाला, अब यस थर्ड वाला जब लगाएंगे तो चूहा क्या हो जाएगा, विल बी डाइड, आया ना, चूहा क्या कर जाएगा, डाइट कर जाएगा, चूहा क्या कर जाएगा, डेड कर जाएगा, डेड कर जाएगा बेचारा, चूहा मर जाएगा, अब चूहा मर जाएगा, समझ पा रहे हो, क्यों मर गया, क्योंकि ये देखो भाई, पॉलीसेकेराइड की बनी कोट स्मूथ है, स्मूथ मतलब चिकना है, विरुलेंट है, पैथोजेनिक है, जिसकी वजह से चूहों में भी बीमारी उत्पन्न कर देगा, बीमारी उत्पन्न करने का मतलब निमोनिया हो जाएगा चूहे को, चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, आया ना, चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अगले कंडीशन लेते हैं, अगले कंडीशन में क्या करते हैं, हीटेड, ध्यान देना, हीटेड यस थर्ड, यानी कि यस थर्ड को, यस थर्ड स्ट्रेन को क्या कर रहे हैं, हीटेड कर दे रहे हैं, इसको गर्म कर दे रहे हैं, जैसे इसको गर्म किए, अब ये देखो गर्म किए हैं तो जैसे टूट गया है, गरम के लिए खोल तो नहीं रहेगा, खोल तो बचेगा नहीं, इस तरीके से टूट जाएगा, टूटा हुआ यस थर्ड आया है, कोई दिक्कत नहीं, खोल तो टूट गया, कोई दिक्कत नहीं, इसकी प्रतिरक्षा तंत्र खुद ही इतना मजबूत है, आओ हम खुद निपटारा कर लेंगे, आओ खुद हमारी प्रतिरक्षा तंत्र इतनी मजबूत है, खुद हम इसको मार देंगे, किसको मार देंगे, भाई इसको मार देंगे यस थर्ड वाले को, क्यों, गर्म कर दिए ना आपने इसको, गर्म किया भाई, जैसे ही आपने गर्म किया चूल्हे पर, जैसे ही गर्म किया खोल क्या हो गया, टूट गया, अब खोल टूट गया तो इस तरीके से दिखाई देने लगा पॉसिबिलिटीज, अब इसको अपने इंजेक्शन में भर लिया, अब भर के लगाया किसके अंदर, लगाया तो कैसा हो गया, कोई असर ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, आरपी जैसा व्यवहार कर रहा है, तो चूहा कैसा होगा, मरेगा कि जिंदा होगा, जिंदा रहेगा, चूहा विल बी लाइव, लाइव रहेगा। इसके अलावा लास्ट में क्या किया, लास्ट में डियर स्टूडेंट क्या किया, हीटेड, ध्यान देना, हीटेड यस थर्ड को तो गर्म कर ही रहे हैं, यस थर्ड को गर्म किए, लेकिन प्लस इसमें क्या मिला दिए, आर, ध्यान देना, प्लस इसमें क्या मिला दिए भाई, प्लस इसमें आर सेकंड को मिलाया, ध्यान देना, यस थर्ड को गर्म करके इसमें आर सेकंड को मिलाया, अब जैसे आर सेकंड को मिलाया तो
चूहा क्या हो गया, चूहा क्या हो गया भाई, चूहा मर गया, चूहा विल बी डाइड, ध्यान देंगे चूहा विल बी डाइड। अब आप जानना चाहते होंगे आखिर चूहा मरा क्यों, आखिर लास्ट में इसमें तो मर गया समझ में आता है, इसमें मरा तो समझ में आता है भाई, कैसे समझ में आता है, इसमें सिंपल सी बात है, हार वाला बीमारी नहीं उत्पन्न करता है, जब हार वाला बीमारी नहीं उत्पन्न करता है तो हार वाला लगाएंगे तो चूहा जाहिर सी बात है जिंदा रहेगा। लेकिन यस थर्ड वाले को जब चूहे के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो चूहा क्या हो जाता है भाई, मर जाता है, सिंपल चूहा मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि बीमारी उत्पन्न करेगा, कैप्सुलेटेड है, आयन पॉलीसेकेराइड होल बनी होगी जिसकी वजह से प्रतिरक्षा तंत्र इसकी क्या होगी, चूहे की हार जाएगी, ना समझ पा रहे, इस पर हावी हो जाएगा जिससे चूहा मर जाएगा। लेकिन जब इसको गर्म कर देंगे तो खोल इसकी टूट गई, पॉलीसेकेराइड की बनी हुई खोल, अब जैसे ही पॉलीसेकेराइड की बनी हुई खोल टूटी तो क्या होगा चूहा भाई, चूहा क्या होगा, चूहा क्या होगा, नहीं मरेगा, चूहा क्या होगा, नहीं मरेगा। लेकिन चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन क्या है कि उसको क्या कर रहे हैं, गर्म करके, गर्म करने के बाद उसमें क्या मिला दे रहे हैं, क्या मिला दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्या मिला दे रहे हैं आर सेकेंड वाले को। अब जैसे ही आर सेकेंड वाले को मिला है चूहा क्या हो गया, चूहा मर गया, चूहा मर गया। होना क्या चाहिए, देखो यस थर्ड को हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी हम गर्म कर रहे थे, लेकिन चूहा क्या हुआ था, नहीं मरा था, जिंदा था भाई, चूहा क्या था, जिंदा था, नहीं मरा था। लेकिन आठ सेकेंड को भी हम यहीं पे लगा रहे थे ना, इसमें भी चूहा जिंदा था, आखिर उसमें क्यों मर गया, आखिर उसमें क्या खास बात हुई। फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब परेशान, नहीं समझ पाए आखिर क्या हुआ। भाई फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने इतना बता दिया कि साइंटिस्ट लोग पूछे कि आखिर क्या हुआ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब आपने तो बहुत सारा चूहा जिलाया, आखिर हुआ क्या, कंक्लूजन क्या निकला, इसका निष्कर्ष क्या निकला, आप बताइए। फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब बोले कि देखिए भाई, इससे हमको यही निष्कर्ष निकलता है कि जो हम यस थर्ड को हीटेड किए, गर्म किए, जब इसमें हमने आर को मिलाया तो जो आर वाला था वो यस में थर्ड में रूपांतरित हो गया। ध्यान देना, अभी फिर से सुन लेंगे, जब हमने यस थर्ड को गर्म किया, जब हमने क्या किया, यस थर्ड को क्या किया, क्या किया डीगर, गर्म किया। अब जब यस थर्ड को हमने गर्म किया तो उसमें क्या मिला रहे हैं, उसमें क्या मिला रहे हैं, आर सेकेंड वाले। अब आर सेकेंड वाले को जैसे ही मिलाया तो क्या हुआ, आर सेकेंड वाला किसमें रूपांतरित हो गया, यस थर्ड में। अब आप भी सोच रहे होंगे ये क्या बला है भाई, कैसे रूपांतरित हो गया थर्ड में, सुनो सुनो कैसे रूपांतरित हुआ भाई। यस थर्ड वाला जो था, आपने इसको गर्म किया था, किया था कि नहीं गर्म, हाँ या ना, हाँ किया था गर्म। अब जब उसको आपने हीट कर दिया तो हुआ क्या, उसकी जो खोल थी टूट गई। जब उसकी खोल टूट गई तो खोल टूटने के बाद जैसे आर मिलाया तो वो जो उसकी पॉलीसेकेराइड की बनी हुई खोल टूटी थी यस वाले की, वो किस पर चढ़ गई, खोल आर वाले के ऊपर चली गई, समझ पा रहे हो, जिसकी वजह से आर वाला किस में रूपांतरित हो गया, यस थर्ड में, हाँ या ना, समझ पाए कि नहीं। तो भाई कहने का मतलब, इसको इन्होंने बोला ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, इसको इन्होंने बोला रूपांतर का सिद्धांत। किसने बोला डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने, यानी फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने इतना कहा, इतना बता दिया कि डियर स्टूडेंट जो आर सेकेंड वाला होता है वो किस में रूपांतरित हो जाता है, ध्यान देंगे वो किस में रूपांतरित हो जाता है, यस थर्ड में। अब जैसे आर सेकेंड वाला यस थर्ड में रूपांतरित हो जाता है, जिसके कारण इस पे एक कैप्सूल बन जाती है, खोल बन जाती है, जिसके कारण आर सेकेंड वाला ही यस के जैसा व्यवहार करने लगता है, और जिसके कारण क्या होता है, चूहा मर जाता है, चूहा क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, मर जाता है। लेकिन साइंटिस्ट लोग बोले हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे हम भाई, साइंटिस्ट लोग को मुक्ता प्रमाण दो, साइंटिस्ट लोग ये आपसे पूछ रहे हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब आप ये बताइए क्या चीज रूपांतरित हुआ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने इतना बताया, ज्यादा हमसे मत पूछो, हम केवल मतलब बता तो दे रहे हैं ना, आर वाला किसमें रूपांतरित हो गया, यस थर्ड में, ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने बोला, आर सेकेंड, आर वाला जो सेकेंड था यस थर्ड में रूपांतरित हुआ। इसी रूपांतर के कारण इन्होंने बोला भाई ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट तो पढ़ रहे हो, रूपांतर का सिद्धांत, इसी के आधार पर हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी रूपांतर का सिद्धांत बतला दिया। लेकिन वैज्ञानिक को बात ये नहीं पची, ऐसे कैसे हो सकता है,
ऐसे कैसे हो सकता है? आप जानकर आश्चर्य होगा, यू आर द ग्रेट साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये चीज पुख्ता प्रमाण से सिद्ध कर दिया, और वो जो थे इनके स्टूडेंट थे, ध्यान देना, यानी कि किनके स्टूडेंट थे, इनके भाई खटिक रिपि साहब थे। जैसे आप हमारे स्टूडेंट हो हैं भाई, और हमारे जो आप स्टूडेंट हैं, आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा करेंगे और हमको जान के बहुत बड़ी खुशी होगी। आप भाई हमसे कई गुना आप मतलब कि अभी तो क्या ही है, आप बहुत आगे जाएंगे भाई। और ये हर एक गुरु को अपने समझ रहे हो शिष्य या स्टूडेंट से ये आशा होती है कि हमारा जो स्टूडेंट हो एक बहुत ही बड़े मुकाम पर जाए। क्या मेरा आपको तो दिल से बता रहे हैं, जब आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है आप कमेंट कर देते हैं ना, इतना सुकून मिलता है डियर स्टूडेंट, आप उन फील नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। उसी वजह से आप देख ही पा रहे हैं रात को आपके लिए वीडियो शूट किया जा रहा है, ध्यान देना बहुत ज़्यादा आँखों में नींद है। कहते नहीं है आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आपके लिए कुछ करना है डियर स्टूडेंट, आपके लिए कुछ करना है, आपको समझाना है, आपके लिए डियर स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा नींद है, ध्यान देना। सही सही आपको बता रहे हैं, समय बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन आपके लिए हमने सोचा वीडियो कई दिनों से आपके लिए नहीं दे पा रहे हैं, तो आज हम कैसे ना कैसे करके मतलब कुछ भी करके आप वीडियो बनाना है तो बनाना है। आप देख पा रहे हैं आवाज़ें भी आ रही होंगी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, आपके लिए चीज़ें कर रहे हैं, समझ पा रहे हो, जितना हमसे हो पा रहा है मतलब उससे कई ज़्यादा हम देने का प्रयास करेंगे, आपको पक्का हमेशा देते रहेंगे डियर स्टूडेंट, आपको जाना नहीं है। ऐसा मत छोड़ना सोचना कि अब समझ पा रहे हो, मतलब कि आपके लिए काम करते रहेंगे, ध्यान देना। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पाए कि नहीं पहले बताओ। यानी कि अब होता क्या चीज़ है, अब कहानी में मोड़ आता है, अब कहानी में टर्निंग पॉइंट आया। अभी हमने बताया भी जो कि गुरु, ध्यान देना, गुरु के जो शिष्य थे स्टूडेंट थे, इन्होंने ये चीज़ सिद्ध कर दिया कि जो फ्रेडगिल साहब आपने जो बताया है कि आर वाला जो यस थर्ड में रूपांतरित हुआ है, आखिर क्या चीज़ रूपांतरित हुआ। आखिर यहाँ पर जानने की ये बात है कि आर वाला जो था यस थर्ड में कैसे रूपांतरित हुआ, समझ पा रहे हो, क्या चीज़ रूपांतरित हुआ यस थर्ड में, हाँ या ना। इसके लिए ही वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट एवरी मैकलॉट मैकॉल्टी आए, जिन्होंने क्या किया सिद्ध कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल डीएनए ही वह अनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया। अब आपको भी ये बात नहीं पच रही होगी ना, आप भी सोच रहे होंगे कैसे हम माने, देखो कैसे मानते हैं, देखो ये देखो हम अभी पूरा एक बार पढ़ने से समझते हैं, इसको हम रख करें, आपने लिख लिया है, ध्यान लिख लेना डियर, ध्यान देना लिख लेना, आपको समझ में आ गया होगा ना, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मिटका देते हैं। आई होप आपने इसको लिखा होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। हम थोड़ा क्या करते हैं आगे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, यानी कि इनके बाद जो साइंटिस्ट आए इन्होंने सिद्ध कर दिया। आप सोच रहे हो लास्ट वाले क्यों नहीं मैं मिटा है भाई, भाई लास्ट वाले चूहे का पोस्टमार्टम करना है, अब आप सोच रहे हो मर गया उसको पोस्टमार्टम, उसी पोस्टमार्टम से ना पता चलेगा, उसी पोस्टमार्टम से उसका भाई बायो मालिक्यूल उसके जैवाणु को पृथक करेंगे, उसके टिश्यू को लेंगे उसमें बायो मालिक्यूल को आइसोलेट करेंगे, जिससे पता करेंगे ना, देखो कैसे पता करते हैं, ध्यान देना, इधर देखो गाने में क्यों खो रहे हो, गाने में मत खो ना, गाना बाद में सुन लेना डियर स्टूडेंट, आप क्या ही कर सकते हैं, गाना आ रहा है तो उसका भी आनंद थोड़ा बहुत, अब क्या ही कर सकते हैं। देखो यानी कि ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम लिखेंगे, इन्होंने कब आए थे, लगभग 1933 से लेकर के 1944 के आसपास, जिनका नाम क्या है एवरी मैकलॉट मैकॉल्टी, ध्यान देना साइंटिस्ट का नाम थोड़ा सा टिपिकल है, एवरी मैकलॉट मैकॉल्टी जिसको बोलते हैं मैकॉल्टी, ध्यान देना क्या बोलते हैं मैकॉल्टी, ध्यान देना एवरी मैकलॉट मैकॉल्टी जिसको एवरी मैकॉल्टी भी कहते हैं। एवरी मैकॉल्टी साहब ने कब आए थे, लगभग 1933 से लेकर के 1944 में, ध्यान देना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल सा चीज किया, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया, जो यस थर्ड था, ध्यान देना, जो यस थर्ड था यानी कि इसको पोस्टमार्टम से उसको निकाला, जो यस थर्ड को पोस्टमार्टम किया इसका चूहे का, इसके अंदर चूहे का पोस्टमार्टम करके क्या निकाला, यस थर्ड को निकाल लिया, समझ पा रहे हो, निकाल लिया। अब यस थर्ड से इन्होंने क्या क्या निकाला,
चूहे का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ध्यान देना। अब यस थर्ड से इन्होंने आखिर निकाला क्या, निकाला क्या, बायो मालिक्यूल्स को निकाला, जीवाणु को निकाला, ध्यान देना। जिसके अंतर्गत इन्होंने पहला जो बायो मालिक्यूल पृथक किया, पहला बायो मालिक्यूल आइसोलेट किया, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन, ध्यान देना, क्या बोलते हैं, डियर स्टूडेंट, प्रोटीन। देन सेकंड आपको आइसोलेट इन्होंने जो किया, आरएनए को आइसोलेट कर लिया, आया ना। आरएनए के बाद फिर किसको आइसोलेट कर सकते हैं, डीएनए को भी कर सकते हैं, देन पॉलीसेकेराइड को कर सकते हैं, जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा लास्ट में क्या होगा, इसका डीएनए आइसोलेट करेंगे, आया ना, पृथक कर ले रहे हैं। चूहे का पोस्टमार्टम किए, पोस्टमार्टम करके इसका आर, सॉरी यस थर्ड को निकाला ना, क्योंकि आर वाला तो रूपांतरित होता है यस थर्ड में। अब ये जानना चाहते हैं कि यस थर्ड में आखिर वो कौन सा बायो मॉलिक्यूल है, वैसे कौन सा जीवाणु है जो जो ट्रांसफर हुआ, जो रूपांतरित हुआ, ध्यान देना, जो रूपांतरित हुआ, किसमें रूपांतरित हुआ, जो यस थर्ड में जो रूपांतरित होता है वाला, कि क्या रूपांतरित हुआ, कौन सा बायो मॉलिक्यूल रूपांतरित हुआ, प्रोटीन हुआ कि आरएनए हुआ, पॉलीसेकेराइड हुआ, डीएनए हुआ, कैसे हुआ। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी चूहा ले लिया, ध्यान देना, इन्होंने भी चूहा ले लिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, इन्होंने प्रोटीन को लाइव आर सेकंड में मिलाया, लाइव आर सेकंड मिला रहा है, आया ना। चूहे के अंदर आर सेकंड वाले निकाल रहे हैं, जिंदा है पहले से, अब लाइव आर सेकंड में क्या मिलाया, प्रोटीन, भाई आर सेकंड में मिला रहा है ना, आर सेकंड में जैसे ही मिलाया तो क्या होगा, नहीं ट्रांसफर हुआ प्रोटीन, प्रोटीन थोड़ी ना ट्रांसफर होगा, प्रोटीन नहीं ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण ये लाइव जिंदा रहा, चूहा क्या रहा, चूहा जिंदा रहा, जिसके कारण फिर से इसको मिलाया आर सेकंड में, वही सेम चीज, अब फिर से आर सेकंड में मिलाया, अब आर सेकंड में फिर से जैसे मिलाएंगे चूहा क्या हो जाएगा, लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा। अब फिर यही कंडीशन, फिर इसको मिला रहे हैं आर सेकंड में, इसमें भी चूहा क्या होगा, लाइव रहेगा, इसमें भी चूहा जिंदा रहेगा। लेकिन भाई ध्यान देना, जैसे ही डीएनए को कहाँ पे डालते हैं, आर सेकंड में, जैसे ही डीएनए को आर सेकंड में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो भाई चूहा क्या हो जाएगा, चूहा विल बी डाइड, चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, चूहा क्या हो जाएगा भाई, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि डीएनए जो था वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, ध्यान देना। यानी कि जो डीएनए यस थर्ड वाला जो था, आठ सेकंड में आसानी से क्या हो गया, रूपांतरित हो गया, आसानी से स्थानांतरित हो गया, आसानी से पहुंच गया। इसको तो फ्रेडरिक ग्रिफिन साहब ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बता दिया, लेकिन एवरी मैकलॉड मैकॉर्डी ने सिद्ध कर दिया कि फ्रेडरिक ग्रिफिन साहब जो डीएनए ही था, वो डीएनए ही था यस थर्ड का, जो किसमें गया था, जो किसमें गया था डियर स्टूडेंट, आर सेकंड में गया था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो डीएनए ही था जो आर सेकंड में गया था, और आर सेकंड में जाने की वजह से इसको हमने बोला था यस थर्ड, इसको क्या बोला था, यस थर्ड बोला था। कहने का मतलब कि ये चीज डियर स्टूडेंट सिद्ध हो गई कि डीएनए ही अनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवंशिक सूचना को ले जाता है। अब इतना क्लियर हो गया, यानी कि याद रखेंगे एवरी मैकलॉड मैकॉर्टी ने क्या किया, क्लियर कर दिया ये चीज, मतलब क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इन्होंने कर क्या किया, क्या भाई लास्ट वाले चूहे का इन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया। अब उस पोस्टमार्टम से क्या किया डियर स्टूडेंट, अब उस पोस्टमार्टम से इन्होंने बायो मॉलिक्यूल को आइसोलेट कर लिया, यानी कि जिसके अंतर्गत इन्होंने प्रोटीन को निकाला, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, इन्होंने क्या इसको निकाला, प्रोटीन्स को निकाला, आरएनए को निकाला, पॉलीसेकेराइड को निकाला, डीएनए को निकाला, किससे निकाल रहे हैं, चूहे को क्या कर रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम करके निकाल रहे हैं, उसकी यस थर्ड को, यस थर्ड से क्या पृथक कर रहे हैं, प्रोटीन, आरएनए, पॉलीसेकेराइड, डीएनए, फिर क्या किए, फिर ये क्या किए, आर सेकंड में इंट्रोड्यूस कराए, आर सेकंड में लगाए, आर सेकंड वाले चूहे में। अब जैसे ही आर सेकंड में प्रोटीन को इन्होंने लगाया तो चूहा क्या रहा, चूहा जिंदा रहा। जैसे ही आरएनए को लगाया चूहा क्या रहा, जिंदा रहा। क्यों जिंदा रहा, जानना चाहते हो भाई, सिंपल सी बात है, आरएनए नहीं ट्रांसफर हुआ किसमें, आरएनए नहीं ट्रांसफर हुआ भाई किसमें, आर सेकंड वाले में, जिसकी वजह से चूहा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चूहे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से चूहा क्या होगा, जिंदा रहेगा। भाई इसमें कोई असर ही नहीं है, किसका असर नहीं है, यस थर्ड का कोई असर नहीं है,
ये आर है तो आर ही के जैसा हम रहेंगे, हम तुम्हारे जैसा नहीं होंगे। कब? जैसे पॉलिसी के राइट को किया तब भी वही सेम कंडीशन, हम तुम्हारे जैसा नहीं रहेंगे, हम सेम अपने जैसा रहेंगे। समझ पा रहे हो? यानी कि लाइफ जिंदा रहेगा, लेकिन जैसे ही डीएनए को इंट्रोड्यूस किया, किसमें डियर स्टूडेंट ध्यान देना, जैसे ही डीएनए को इंट्रोड्यूस किया इसमें आज सेकेंड में चूहा क्या हो गया, मर गया। चूहा क्या हो गया, डेड कर गया। क्यों डेड कर गया भाई? चूहा यानी कि जो डीएनए था, जो यस थर्ड का जो डीएनए था वो किसमें ट्रांसफर हो गया, आर सेकेंड में। अब जैसे आर सेकेंड में ट्रांसफर हुआ तो कहने का मतलब कि आर सेकेंड वाला किसमें रूपांतरित हो गया, यस थर्ड में, जिसकी वजह से क्या हुआ था, चूहा मर गया। ये चीज नहीं बता पाए थे कौन, क्यों नहीं बता पाए थे? समझ पा रहे हो? क्योंकि उस समय डिफरेंट डिफरेंट काउंट लगे, इतना भी फ्रेडरिक साहब ने बहुत किया डीएन स्टूडेंट, उनके स्टूडेंट बताए, सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। समझ आया कि नहीं, पहले बताओ, समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना? अब भाई साउंड कुछ आ रहा है, भाई नवरात्र का मंथ चल रहा है, पता होगा, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन आप तो अगर ईयरफोन लगा के अगर आप लेक्चर को सुनेंगे, कोई दिक्कत हमारे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। समझ पा रहे हो? अगर आपको तभी भी कोई दिक्कत परेशानी अगर इस लेक्चर में आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट, इसमें आपको उसका निवारण किया जाएगा, ध्यान देना। क्योंकि भाई अगर आपके लिए हम मतलब आपके लिए अगर हम कर रहे हैं तो समझ पा रहे हो, आप ही के लिए बनाया जा रहा है डियर स्टूडेंट वीडियो लेक्चर, आपके लिए सब चीज़ें हो रही हैं, एकदम दिल से आपको मतलब समझ पा रहे हो, आप एकदम दिल के तार है जैसे डियर स्टूडेंट। आपको जब हम लेक्चर नहीं देते हैं, कभी कभी अपलोड होने में टाइम मतलब कि टाइम का इशूज रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन तब भी प्रयास करते हैं आपको लेक्चर दिया जाए डियर स्टूडेंट, कैसे भी करके लेक्चर आपके लिए, समझ पा रहे हो? तो आज के लिए इतना ही करते हैं डियर स्टूडेंट। अब जाते जाते एक सॉन्ग हो जाए। अरे भाई हो जाए, नवरात्र का महीना है, हाँ माता जी का थोड़ा नाम ले लिया जाए, तो हो जाए एक सॉन्ग, हो जाए। कौन सा सॉन्ग हो जाए, लेकिन कौन सा सॉन्ग अच्छा वाला सॉन्ग, चलो हम गाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आपको गाना सुनाते हैं। आप बने रहेंगे, जाएंगे नहीं डियर स्टूडेंट, जाएंगे नहीं, ध्यान देना। जाना आपको नहीं है, देखो सुन लो थोड़ा सा, दो लाइन, ज्यादा तो आता नहीं लेकिन थोड़ा सुन लो। मयरिया कौने करनवा भूलैलू ना हो। सुनली कि यही रह गईलू मोरे घरे ऐलू ना, सुनली कि यही रह गईलू मोरे घरे ऐलू ना। मेरिया कौने करनवा भूलैलू ना, सुनली कि यही रह गईलू मोरे घरे ऐलू ना, सुनली कि यही रह गईलू मोरे घरे ऐलू ना। सूरज देव से पहले अखिया खोली लाए मैया, सुखवा से पहले जय माता दी बोले लाए मैया। मरिया कौने करनवा भूलैलू ना हो। सुनली कि रह गईलू मुझे घरे ना। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो इतना ही करते हैं, आपको अच्छा लगा होगा आई होप, क्योंकि ज़्यादा आता भी नहीं तो समझ पा रहे पूरा, तो गला भी थोड़ा धीरे धीरे, अब जानते हो बोलते बोलते एकदम
चला गया है। तो इतना करते हैं डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स।